प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना 2020, क्या सरकार दे रही है महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन? जाने इस खबर की पूरी सच्चाई और हकीकत। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस तीर के निशान से हमारे वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन फेक न्यूज। हाल में ही विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन स्रोतों के माध्यम से एक झूठे और भ्रामक प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना के बारे में गलत सूचनाएं फैलाई जा रही है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का लाभ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया जा रहा है। परंतु अभी तक केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार की किसी भी योजना प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना का आरंभ नहीं किया गया है। यदि आपके पास भी प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना से जुड़ी कोई भी सूचना या किसी भी माध्यम से आती है तो आप उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें और विश्वास न करें, क्योंकि ये पूरी तरह गलत और झूठी खबर है, फेक न्यूज। प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना, इस योजना के गलत दावों के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि देश की जो महिला अपना खुद का व्यवसाय स्वरोजगार शुरू करना चाहती है तो वह प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जा रहा है, जिससे वह स्वयं का रोजगार शुरू कर सकती है, जिसमें उनको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो भी ब्याज है उसे केंद्र सरकार वहन करेगी। इस प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना 2020 के तहत देश की गरीब और मध्यम वर्गीय महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा, परंतु केंद्र सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं है। प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना एप्लीकेशन फॉर्म। योजना के तहत जो भी महिला केंद्र सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक का लाभ प्राप्त करना चाहती है तो उन्हें इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि सीधे केंद्र सरकार की तरफ से लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, इसलिए महिला का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकाउंट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए, न कि प्राइवेट बैंक में, तभी वह पीएम धनलक्ष्मी योजना 2020 का लाभ उठा सकेगी। परंतु ये सब सूचनाएं झूठी और भ्रामक मनगढ़ंत है। अभी तक ना कोई ऐसी योजना के बारे में औपचारिक घोषणा हुई है, ना ही केंद्र सरकार द्वारा किसी प्रकार का आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म और पंजीकरण फॉर्म जारी किया गया है। फेक न्यूज। धनलक्ष्मी योजना पीएम का उद्देश्य है। कुछ स्रोतों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की गलत गुमराह करने वाले झूठे मैसेज फैलाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना के अंतर्गत देश की महिलाओं को अपना खुद का रोजगार और व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करेगा। जो पुरुष महिलाओं को कुछ नहीं समझते उनकी भी सोच में बदलाव आएगा। परंतु इन सभी झूठी अफवाहों का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB द्वारा खंडन किया गया है कि सरकार द्वारा अभी तक कोई भी योजना नहीं चलाई गई है। पीएम धनलक्ष्मी योजना का लाभ फेक। महिलाओं को केंद्र सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। देश की गरीब और मध्यम वर्गीय महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकती है। सरकार की तरफ से दी जाने वाली धनराशि महिलाओं के प्रयास से शुरू की गई है। महिलाओं की आयु 18 से 55 वर्ष की होनी चाहिए। यदि महिलाओं के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप इस योजना के तहत धनलक्ष्मी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। इस योजना के तहत दी जाने वाली 5 लाख रुपए का लोन 0% ब्याज पर 30 साल के लिए दिया जाएगा। आपको यह ऋण 30 साल में सरकार को चुकाना होगा। ये सरकार की तरफ से दी जाने वाली धनराशि के लिए आवधिका का बैंक अकाउंट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। यह योजना महिला को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास से शुरू की गई है। धनलक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज। आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष की होनी चाहिए। आवेदक आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए। बैंक अकाउंट पासबुक होनी चाहिए और मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? यह झूठी सूचनाएं फैलाई जा रही है कि इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको अपने सभी दस्तावेजों को लेकर अपने नजदीकी जिला स्तरीय समुदाय केंद्र में जाना होगा। वहाँ जाकर आपको आवेदन फॉर्म लेना होगा और इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, आयु, जन्म
जन्म तिथि आदि भरनी होगी। आवेदन फॉर्म भरने के बाद अपने सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करके जिला स्तरीय समुदाय केंद्र के अधिकारी के पास जमा करना होगा। इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जाएगा, परंतु अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा आवेदन को लेकर सरकार द्वारा नहीं की गई है और इस पर भरोसा नहीं करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह, और हमारे लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।